यूट्यूब कैरियर में मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं बैठ के जगह बना रहा हूँ, ऐसे नहीं जी, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है जो मैं एक जगह स्ट्रीम बैठ के बना रहा हूँ। काफी सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार तू कभी इधर फिर रहा था, कभी उधर फिर रहा था, कहीं बैठ के ब्लॉग बना ले। तो आज अलहमदुल्ला ये जी मेरा कमरा पार्लर है जहाँ मैं बैठता हूँ, और यहाँ मैं आज फर्स्ट टाइम बैठ के मैंने ब्लॉग बनाया है। काफी सारी जो स्टूडियो की जो है तामीर में, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ना स्टूडियो वगैरह जो है, इस पे काम हो रहा है, लाइटिंग सेटअप जो है ऊपर पर हो रहा है। आज बस टेस्ट के लिए जो है मैंने ब्लॉग बनाया, और मैं ज्यादा जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करता आपका, तो आज ब्लॉग किस लिए है। काफी सारे मेरे दोस्तों ने कहा था कि यार आपकी ऑडियो क्वालिटी जो है ना बहुत हल्की आ रही है, जिसमें मैं अगर नाम लूँ मेरा एक क्लास फेलो है नसल भी है, और काफी सारे बिलाल मैंने खुद कहा था कि ज्यादा की ऑडियो क्वालिटी जो है अच्छी नहीं आ रही। तो उसके लिए ना मैंने आज एक माइक परचेज किया है, दराज से परचेज किया, अगर आप ये देख सकें, ये मैंने माइक परचेज किया है। इसमें क्या क्वालिटीज है, ये कितने का बाइक है, और ये ही बाइक क्यों की है, ये सारे सवाल और जो आपके सवाल आते हैं इंशाल्लाह उसका भी हल देते हैं। चलें लेट्स मूव टू अनबॉक्सिंग। वो क्योंकि मैं कभी कभी जो है ब्लॉग्स वगैरह वो मोबाइल पे बनाता हूँ, कभी कभी जो है लैपटॉप पे बनाता हूँ वो पीछे पड़ा है, और कभी कभी कैमरास पे भी बनाता हूँ जिसमें मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ कैनन का 700D। तो इसलिए मेरे लेने की खास वजह ये है, और ये पीछे जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं पास करके, ठीक है। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग जब हम करते हैं तो हमें जो है कुछ वारंटी कार्ड वगैरह मिलते हैं, इसको हम रख देते हैं साइड पे दो मिनट के लिए, चला गया। ये जी हमारा इसमें वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड को हम साइड पर रखते हैं। उसके बाद ये जी हमारे पास एक मैनुअल बुक आती है जिसे कोई भी नहीं पढ़ता मेरे यहाँ, ठीक है, ये भी हमने साइड पर रख दी। और टॉप पे जो ये है हमारे पास, ये है जी हमारा बोया का माइक। ये जो है इसे डेड शीट, डेड कैट कहते हैं, यानी मरी हुई बिल्ली, यानी मरी हुई बिल्ली के बाल की तरह, ठीक है, ये भी मैंने रख दिया साइड पर। और जो मेन चीज़ है ना, सारे पैसे इस चीज़ के, ये है जी मेन माइक बोया का, ठीक है, यही मेन माइक है बोया का, जो है हमारे लैपटॉप से भी लग जाता है, मोबाइल पे भी लग जाता है, और हर ब्लॉगर जो है ना मैंने चेक किया, जो हर ब्लॉगर है वो इसी माइक को यूज़ करता है, ठीक हो गया। उसके साथ ये हमें मिलती है, ये जो है ये हमारे उसके ऊपर गोरिल्ला ट्राइपॉड के ऊपर लग जाते हैं, इस तरह लगता है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। और उसके साथ ये है जी हमारे साथ ये जो है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो नजर नहीं आएगा, ये लगता है हमारे लैपटॉप के साथ और DSLR कैमराज के साथ ये जो है कनेक्ट हो जाता है, इसको देखते हैं साइड पे। और ये चीज़ है ना, ये जो है ये सेल फोन के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है, ये हो गया। और उसके बाद ये जो है ये बोया का, यानी हमें एक वो मिलता है बैग मिलता है, जिसमें यानी अगर आप कोई आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं तो फुल डब्बा भी लेके जा सकते हैं, इसी के अंदर जो है टोटली पैकिंग कर देंगे। तो ये जी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो जो बोया जो है कंपनी हमें अपने साथ देता है, तो आप जो है इसके सिनेमैटिक शॉट चेक करें। आवि चौधरी प्रदेशी स्क्वाड नशियां च चूर खलाल रंग दे मुंडा सिर फेरा सीधा गाल कड़दा डर कानूनी है समान रखदा लो राइडर ते सोनी मुटियार रखदा मुंडा ले सी नहीं ओ फार्मी मुंडा फेल हो गया है बारवी सप्पली दी आ गई है कतारनी उतो बदमाशी है जनाब रिश्तेदारी गट्टा नाल रखदा ओ गट्टा नाल रखदा ओ गट्टा नाल रखदा जी। तो ये जी मेरे साथ बैठे हैं बिलाल भाई, और अब ठीक हो गया, वालेकुम सलाम, सॉरी। तो अब जो है ना मैं आपको ना ऑडियो क्वालिटी चेक करवाता हूँ, तो ये जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं ये विदाउट बोया माइक है, और एक मिनट मैं अभी जो है बोया माइक को स्विच करता हूँ, तो फिर आप जो है उसकी ऑडियो क्वालिटी चेक कीजिएगा, और मैं जो इसकी कीमत है वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। अब मैं बोया माइक लगाने लगाऊँ जी। तो अब जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये मैंने जो है बोया बाय MM1 का जो है माइक लगाया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि जो अब जो है ऑडियो क्वालिटी जो है कुछ ना कुछ अच्छी आई होगी। और बात रही इसकी प्राइस की, तो मैं इसकी आपको प्राइस बताता हूँ। ये जो है मैंने परचेज़ किया दराज से, मुझे पड़ा है 5,100 का आप कह लें, यानी आप टोटल समझ लें कि टोटल मुझे जो है डिलीवरी चार्जेस समेत ये 5,000 का खानपुर में
पहुंच गए। तो अगर आपने भी ये परचेज करना है तो इसका जो परचेज लिंक है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने ही परचेज करना हो तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो बोया का डबल M1 माइक है ना, ये ब्लॉगर्स के लिए जो है मस्ट है, और हर ब्लॉगर जो है इसी को यूज़ करता है। तो बिलाल भाई भी जो है इरादा रखते हैं कि वो लेंगे आप इंशाल्लाह। चले जी इंशाल्लाह। खैर आज का ब्लॉग यहीं तक था, साथ अश्मी को दी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़। वैसे आज बड़ा भारी हो गया माइक, ये ट्राइपॉड ऊपर मोबाइल ऊपर ये पैर, अल्लाह पुनी है सामान रखदा, लो राइडर ते सोनी मुट्टे यार रखदा, मुंडा ले सी नहीं हो फार्मी, मुंडा फेल हो गया 12वीं।